तो हमें मिलेगा शून्य से एक अधिक है, एक शून्य से अधिक है। तो ये एक की परिभाषा यहाँ इस सूत्र के अंदर दी हुई है। तो इसलिए हमें इन सूत्रों की जो व्यवस्था, वर्णमाला की व्यवस्था है, इस पर बहुत कंसंट्रेट रहना है। तो पहला हमने छठा लिया और दूसरा हमने पहला व्यंजन लिया। तो आइए देखिए कि आ, ई, ऊ, री, लरी, ए, ओ, ए, औ और इसके बाद चलता है का, खा, ऐसे चलता है। तो ये 1 से 9 तक है और का स्थान 10 पर आता है। तो ये हमने लिया कि ये 6 है अंक, और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 10 तक पहुँचना है। तो 6 से हमें 10 में पहुँचना है। तो ये का की जो कीमत है, वो जो इसका मूल्यांकन है, जो मूल है, वो 4 बना देता है, क्योंकि 10 जो है 6 जमा 4 है। अब का अगर हम वर्णमाला की व्यवस्था में देखें तो इसका दिव्य अंक 1 है, लेकिन हम यहाँ पर इसको का जो दिव्य अंक व्यवस्था लेंगे वो 4 लेंगे। उत्तर प्रश्न होगा क्यों, और इससे क्या होगा? क्यों का उत्तर तो ये है कि ये छठे से प्रारंभ करें तो का तक पहुँचने के लिए 10वां कदम होगा। और इसका बनेगा क्या, तो ये का में उपनिषद ज्ञान हमें बताएगा आगे कि का ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी 4 सिर की व्यवस्था वाले विधान के देवता हैं, इसलिए का 4 अंक बनेगा, दिव्य अंक 4 बनेगा, व्यवस्था स्थापत्य 4 की बनेगी। इसलिए आज हमें ये याद रखना है कि प्रथम वर्ण 6 व्यवस्था वाला है, दूसरा वर्ण 4 अंक की व्यवस्था वाला है। अब तीसरा वर्ण देखेंगे तो आ, एलोंगेटेड आ है, इसकी व्यवस्था 2 है। अब इसे व्यवस्था में किस तरह से प्रवेश करें, इसका बुद्धिग्राह्य कैसे हो कि हमारे पास पहला 6 है, उसके बाद हमारे पास 4 है, उसके बाद अपने पास 2 है। ये क्या है? ये 6, 4 और 2 का योग 12 है। ये 12 किसकी व्यवस्था है? ये योग है, ये शिव है, ये यम है, ये ऋषि है। इसलिए ये जो व्यवस्था 6 से विष्णु में रहेंगे, विष्णु लोक में रहेंगे हम, का से 4 के अंक से हम ब्रह्मा में जाएंगे, और जब तक आ में पहुंचेंगे तो 6 से 10 से 12 तक पहुंच जाएंगे। ये शिव की व्यवस्था है। तो हमें ये जानना है कि विष्णु, ब्रह्मा और शिव ये त्रिमूर्ति हैं हमारे लिए, ये त्रिदेव हैं। ये त्रिदेव की विद्या में प्रवेश करते जा रहे हैं। तो पहले अंक में हमें, पहले वर्ण में हमें विष्णु लोक तक, सूर्य के लोक तक प्रवेश मिला। दूसरे कदम पर हम ब्रह्मा जी के क्षेत्र में प्रवेश कर गए, और इससे आगे हम शिव जी के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इस तरीके से, इस क्रम से जो एकाधिकेन है, 1 से 1 आगे जो हम क्रम से जा रहे हैं, वो हम इन सूत्रों में, इस पहले सूत्र से ही हम त्रिलोकी में प्रवेश कर रहे हैं। आइए अब हम देखें
कि अगर हम इस स्वरूप से इसी सूत्र में जा रहे हैं और अगर हम पहले सूत्र से दूसरे सूत्र में प्रवेश करना चाहें तो निखिलिम शब्द है इसमें, पहले दो वर्ण जो हैं वो हमें 9-8 में ले जाता है और ई का दिव्य अंक 2 है, दोनों का योग 10 है। इस तरह से ये सूत्र एक जैसे जैसे अपने आंतरिक व्यवस्था में प्रवेश करता जा रहा है उसके साथ साथ ही ये हमारे को सूत्रों की व्यवस्था में भी ले जा रहा है। तो प्रथम सूत्र से दूसरे सूत्र में भी प्रवेश हुआ और इसके साथ साथ ये उपसूत्रों में ले जाएगा, क्योंकि पहला उपसूत्र जो है अनुरूपेण है और ये अनुरूपेण 10 वर्णों की व्यवस्था है। देखिए हम पहले सूत्र के पहले वर्ण से जैसे ही हम पहले सूत्र के दूसरे वर्ण में प्रवेश किए तो हम विष्णु लोक से ब्रह्मा जी के लोक में प्रवेश हो गए और इसी के साथ साथ हम उपसूत्रों उपसूत्र जो एक है अनुरूपेण उसमें प्रवेश कर गए और इसी तरीके से हम पहले सूत्र से दूसरे सूत्र में भी प्रवेश कर गए। इसलिए हम गणित सूत्र एक को सोर्स सूत्र कहते हैं। ये वैदिक व्यवस्था है कि आपको जहाँ से प्रारंभ करना है वो ही आपका अंत हो जाए। आदि जो है वो ही अंत हो। तो ये अगर हम लीनियर सीक्वेंस में देखें तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जैसे लाइन पर चलेंगे ये आगे ही आगे बढ़ती चली जाएगी और ये आगे ही जाएगी, ये वापस यहाँ नहीं पहुँचेगी। यहाँ वापस पहुँचने के लिए हमें वृत्ताकार होना पड़ेगा, हमें सर्कुलर होना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं और यहीं वापस पहुँचना चाहते हैं तो हमें ये रेखा का आधार छोड़कर हमें परिधि के अधिकार में, वृत्ति के अधिकार में, सर्कुलर सिस्टम के आधार में जाना होगा। इसलिए जो वैदिक गणित है इसकी जो व्यवस्था है वो वैदिक व्यवस्था के अनुसार आदि और अंत एक ही स्थान पर होगा। आदि और अंत इन दो शब्दों को अगर देखेंगे तो इसकी व्यवस्था 10 है और इसकी व्यवस्था 14 है। आइए अब हम इन अंकों को स्थापत्य के अनुसार देखना प्रारंभ करें। तो 10 का विभाजन, चतुर्थ विभाजन ब्रह्मा के लोक में विभाजन, चौथे स्पेस में विभाजन, 1+2+3+4 10 बनता है। और 14 को देखेंगे तो 1+1 आगे 2, 2+2 3, 3+4, 4+5। इस तरह से पहला सूत्र ही हमारे को कर्म के अनुसार 1+2, 2+3, 3+4, 4+5 इस व्यवस्था में पहुंचाता है। तो जानने की आवश्यकता ये है कि एका अधिकेन पूर्वेन जो एक कदम और आगे जाने की बात कर रहे हैं ये कितनी बार हो सकता है, ये अनुरूपेन अनंत बार कर सकते हो और उसी प्रोपोर्शनैलिटी से करोगे, उसी सिमेट्री से करोगे। इसलिए वैदिक गणित के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हमारे को दो नियम मिलते हैं। पहला नियम मिलता है सूत्र एक से प्रारंभ करो और ये हमारे को एका अधिकेन पूर्वेन के रूल से ये हमें सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन देता है, ये हमें क्रम से चलना सिखाता है, ये 1+1 आगे चलने को सिखाता है, ये 1+1 पीछे जाने को सिखाता है। और दूसरा नियम है वो के अनुरूपेण अनुरूपेण, आइए शब्द को देखें
ये बनेगा आनु, ये रूपेण, ये बनेगा आ अनु, ये बनेगा रूप एन रूपे एन। तो इसका मतलब ये है, ये जो आँख है इसको अनु होना है। अनु कितना है? 12 है। मतलब ये हम 1 से 12 में कैसे जाएंगे? हमने देखा था कि अक्षराणाम अकारो अस्मि 6-1 में गया था, पर यहाँ पर अनुरूपेण होते हुए ये 12 में जाएगा। 1 से 2 में जाएंगे तो इधर 6 से 12 में जाएंगे। तो इन सूत्रों के जो प्रबंध हैं वो अपने आंतरिक प्रबंध के अनुसार भी हैं, और इस आंतरिक प्रबंध को जानना ही वैदिक गणित को जानना है, यही वैदिक गणित में प्रवेश करना है। इसलिए हमें सूत्रों को उपसूत्रों के साथ मिलाकर प्रयोग में लाना है। इसलिए मेरे अपने अनुभव, मेरी जो स्टडी या रिसर्च है उसके अनुसार, हमें जो अगर वैदिक गणित को समझना है, पढ़ना है, विद्यार्थी बनना है, इसका अगर साधक बनना है, तो हमें सूत्रों के कर्म के अनुसार चलना होगा। और अगर हमें अध्यापक बनना है, वैदिक गणित का टीचर बनना है, तो हमें उपसूत्रों के अनुसार चलना होगा। इसलिए जो कोर्स विद्यार्थियों के लिए होगा वो सूत्र आधारित होगा, और जो वैदिक गणित के अध्यापकों का कोर्स होगा वो उपसूत्र आधारित होगा। और उपसूत्र आधारित जो है ये अनुरूपेण, ये सिमेट्री का वाला है। जैसे ही हम सिमेट्री को, जैसे ही हम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते करते अपने बुद्धि को प्रखर कर देंगे, हम प्रज्ञावान हो जाएंगे। जैसे ही हमारे चक्षु, जो चर्म चक्षु हैं, ये चर्म चक्षुओं से जैसे ही हम दिव्य चक्षुओं में पहुँचेंगे, दिव्य अंकों के विधान में पहुँचेंगे, और इससे जैसे ही हम ज्ञान चक्षु में पहुँचेंगे, स्थापत्य में जाएंगे कि इनकी स्थापना क्या है, जैसे हमारा विलोकनम, हमारी दृष्टि प्रखर हो जाएगी, तो हम ये देख पाएंगे कि आखिरी उपसूत्र गुणित समुच्चय, समुच्चय गुणिता इस स्वरूप वाला बन गया। ये गणित और समुच्चय एक शब्द है, समुच्चय और गुणित ये दूसरा शब्द है। पर यहाँ अगर आप देखें तो ये डाइमोनेड, दो चीज़ों से इकट्ठी बनी हुई चीज़, इसका जब आप इमेज लेंगे, प्रतिबिंब लेंगे, तो ये 1 और 2 वाली व्यवस्था 2 और 1 वाली व्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। ये जो देखना है यही ज्ञान चक्षु है। जब हमारा देखना विलोकनम, ये जो 12 उपसूत्र तक समृत अनुरूपेण से विलोकनम तक जो पहुँचेंगे, उसका जो प्रखर स्वरूप है, जो प्रज्ञा स्वरूप बनेगा, जो ज्ञान चक्षु देगा, वो ज्ञान चक्षुओं में हम गुणित समुच्चया को, समुच्चय गुणिता को, दोनों को इकट्ठा मिलाकर कैसे प्रयोग करेंगे। जब ये आ जाएगा तो हम इस बुद्धि से, इस ज्ञान से, इस विधान से हम साधकों को गणित सूत्रों का गणित समझा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे। इसलिए सूत्र और उपसूत्र दो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अपने आप में पूर्ण हैं। और अगर हमें गणित सूत्रों में रिसर्च में जाना है तो हमारे को सूत्र और उपसूत्रों को इकट्ठा पढ़ना होगा। मतलब 1 से 16 सूत्र और 1 से 13 उपसूत्र, इन दोनों को इकट्ठा पढ़ना होगा। अब इकट्ठा पढ़ने से देखें, ये 16 हैं, ये 13 हैं, कुल मिलाएं तो 29 हो जाता है। ये 29 ब्रह्मा जी का
दिव्य अंक है। अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर हम सूत्रों में रहते तो हम केवल विष्णु लोक में रहते, छः के अंक में रहते, और छः के अंक की व्यवस्था में 16 कैसे बनता है ये आगे जानेंगे। लेकिन ये जो 16 का अंक है, इसको 1 से लेकर अगर 16 तक के अंकों को हम लिख लें और फिर इसके फैक्टर्स करें, इसका फैक्टर 1, इसका भी फैक्टर 1, इसका भी फैक्टर 1, इसके फैक्टर 2, यहाँ पर फैक्टर 1, यहाँ पर फैक्टर 4, इनको गिनें, 1, 1, 1, 2, 1, 4, टोटल करें 1, 2, 3, 5, 6, यहाँ देखेंगे तो 29 हो जाएगा। तो ये 1 से 16 जो अंक हैं, इन अंकों के अंदर ही 29 अंक बनते हैं। ये जब देखने की दृष्टि आ जाएगी तो आप वैदिक गणित के अध्यापक पथ पर अग्रसर हो रहे होंगे। इसलिए क्योंकि इन 1 से 16 अंकों में ही 1 से 29 अंक सनियत हैं, क्योंकि 1 से 16 अंकों की व्यवस्था ही 1 से 29 अंकों की व्यवस्था है, तो ही हम पहला वर्ण ए जो कि 6 है, दूसरा वर्ण का जिसकी व्यवस्था तो 1 है लेकिन ये गणित में ये 4 अंक की व्यवस्था होता है, ये ब्रह्मा की व्यवस्था बन जाता है। और जैसे ही ये ब्रह्मा की व्यवस्था बनता है तो सूत्रों के साथ उपसूत्रों को भी अपने साथ सनियत कर लेता है। इसलिए हमारे को इस विद्या में प्रवेश करने के लिए हमें क्रम के अनुसार जिस तरह से इन सूत्रों की व्यवस्था है और जिस तरह से इन उपसूत्रों की व्यवस्था बन जाएगी, और इसलिए हमें सूत्र 1 को पढ़ने के लिए हमें उपसूत्र 1 का आसरा लेना होगा। इस सूत्र 1 इसके अंदर 2 शब्दों की व्यवस्था है, एकाधिकेन और पूर्वेन या अनुरूपेन, केवल 1 ही अंक की व्यवस्था है। अब इस पहला शब्द एकाधिकेन और दूसरा शब्द पूर्वे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ये अनुरूपेन जो शब्द है इसका उपयोग करना होगा। तो इसलिए एकाधिकेन से पूर्वेन में पहुँचने के लिए हमें जो अनुरूपेन का आसरा लेना है ये जानना होगा। ये जानना जनाना ही वैदिक गणित की रिसर्च है। इसलिए इस व्यवस्था की पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए हमारे को सूत्रों को और उपसूत्रों को इकट्ठा पढ़ना होगा, इकट्ठा जानना होगा। ये 1 से 29 अंक की व्यवस्था में विधान में जानना होगा। अगर पढ़ना है तो हमें 1 से 16 अंक में जाना होगा। अगर हमें पढ़ाना है तो हमें 1 से 13 अंक की व्यवस्था में जाना होगा, और अगर हमें रिसर्च करनी है तो हमें 1 से 29 अंक की व्यवस्था में जाना होगा। ये सारी व्यवस्थाएं ही इसके अंदर, इन सूत्रों के अंदर प्रबंध किया गया है। ऐसा प्रबंध होने के कारण से ही जो गणित, वैदिक गणित है, ये बहुत ही उज्ज्वल विद्या क्षेत्र है। ये सौर मंडल का क्षेत्र है, ये ब्रह्मांड का क्षेत्र है। इस ब्रह्मांड के क्षेत्र को जानने के लिए हमें क्रम अनुसार पहले सूत्र के पहले वर्ण से जाना है, और दूसरे सूत्र में जाने के लिए हमें पहले दोनों वर्णों को लेना है। तो सूत्र 1 में पहुंचने के लिए, सूत्र 2 में पहुंचने के लिए यहाँ पर जो प्रबंध निखिल किया जाएगा, इसकी जो व्यवस्था 10 होगी, यहाँ व्यवस्था 10 होगी, उपसूत्र का जो पहला अनुरूपेन है उसके भी 10 वर्ण होंगे। तो ये सब हमें जान लेना होगा। अब ये जानने के लिए हमें ये जान लेना है कि वैदिक गणित जो है, इस वैदिक गणित में ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा जी के हृदय में विष्णु, शिव जी का
पांच स्पेस ओरिजिन है, इनका स्थान है। तो ब्रह्मा जी शिव जी पर जब आराधना करते हैं तो शिव जी की कृपा से ये 10 ब्रह्मा हो जाते हैं। मतलब ये कि 5 स्पेस की जो बाउंड्री आएगी वो 10 कंपोनेंट्स होंगे। हमें अगर ये विद्या जाननी है, इस विद्या क्षेत्र में प्रवेश करना है, तो हमें भी ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता ने जिस तरह से तपस्या करके ध्यान के माध्यम से शिवलोक में प्रवेश किया, उसी तरीके से ही हमारे को भी, साधकों को भी, वैदिक गणित के अध्यापकों को भी, वैदिक गणित के अनुसंधान करने वाले अनुसंधानकर्ताओं को भी ब्रह्मा जी से पथ पर चलना होगा। सृष्टिकर्ता के पथ पर चलने से हमें ध्यान करना होगा, अपने हृदय में ध्यान करना होगा। हृदय की ग्रंथि जो है वो शिवलोक है। इस शिवलोक में शिवलोक की कृपा से उस सृष्टिकर्ता ने जैसे कृपा प्राप्त की, दिव्य कृपा जैसे प्राप्त हुई, उसी तरीके से हमें भी दिव्य कृपा को प्राप्त करना है। इसलिए वैदिक गणित के सूत्रों को प्रार्थना स्वरूप स्वीकार करिए और गणित सूत्रों के आंतरिक उपसूत्रों की व्यवस्था के प्रभाव से, प्रज्ञा से अपने को जागृत करते हुए आपको निद्रा से जागना है। ये निद्रा जो है, ये शब्द ये 10 और ये 9 का है। आपको 10 में 9 में ना घुसते चले जाएं, आप 9 से 10 में जाना होगा। इसलिए निखिलम नवस्था चरमम दशम करना होगा। 9 से 10 में जाना है, 10 से 9 में नहीं जाना है। और 9 से 10 जाने का तात्पर्य होता है कि अगर आपके पास 10 बिंदु हों तो इनके अंदर 9 ही गैप्स हैं, और 10 और 9 19 हो जाएंगे। ये 19 ही कृष्ण शब्द है, इसी से ही एक अंक आगे 20 वेद है। इसलिए गीता में कहा है कि जो कुछ वेद में नहीं है वो यहाँ है। तात्पर्य ये कि 10 तक तो जाना है, लेकिन सब कुछ 9 में प्राप्त करना है। साधको, स्वामी जी की कृपा से जो सूत्रों को जागृत करने का विधान बताया गया है, उसी के अनुसार ही हम तपस्या करें, साधना करें, अपने चर्म चक्षुओं को दिव्य चक्षुओं में परिवर्तित करते हुए ज्ञान चक्षुओं की प्रज्ञा तक पहुंच करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद।